जब चुनावी मैदान में सामने भाजपा से किरण बेदी थी और भाजपा की ओर से सीएम पद की प्रत्याशी भी थी, तब उनको हराया था एसके बग्गा ने। एसके बग्गा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और इस वक्त वो दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र कृष्णा नगर के विधायक हैं। चलिए जानते हैं एसके बग्गा ने कृष्णा नगर के लिए क्या क्या काम किए हैं, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र कृष्णा नगर में और यहाँ के विधायक जी एसके बग्गा जी, आइए इनसे आपकी सीधी बात करवाते हैं कि इन्होंने इस कोरोना काल में किस प्रकार अपनी जनता की सेवा की, अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये इस कोरोना काल में भी सदैव तत्पर रह के कार्य करते रहे। नमस्कार बग्गा जी। तो सर, आप हमारे दर्शक को बताइए कि आपने अपने कृष्णा नगर की जनता का इस कोरोना काल में किस प्रकार आपने उनकी सेवा करी, किस प्रकार आप लगे रहे। देखिए, कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, मेडिसिन प्रोवाइड कराई, जो लोगों को हॉस्पिटलाइज करना था उनको हॉस्पिटल तक लेके गए हम लोग कोरोना काल में। और कोरोना काल में राशन बांटा सरकार ने, फ्री राशन बांटे जिनके पास राशन कार्ड थे। और दूसरा ड्राइव शुरू किया हमने स्कूलों में, जिनके पास आधार कार्ड है खाली, राशन कार्ड नहीं है, उनका भी राशन चल रहा है। हंगर ड्राइव भी चल रहा है, जो पका हुआ खाने में हम दे रहे हैं लोग। तो इसमें ऐसे काफ़ी लोगों की सहायता की है सरकार ने, तो कर रही है दिल्ली सरकार ने, और दिल्ली में कोरोना को जीता है, कोरोना से जीत हासिल की है। कि अपने जितने भी सेंटर थे आपके वैक्सीन के, इतने सेंटर खोले हैं, मेरी विधानसभा में 6-7 हैं। अभी मेरे को फ़ोन आया थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले कि 3-4 और खुल रहे हैं, जिससे कि लोगों को मदद मिले, हमारे कार्यकर्ता घरों में जा रहे हैं, यही कहने के लिए कि आप वैक्सीन कराइएगा। 45+ 18+ के भी सेंटर खुलने जा रहे हैं, चंद्रनगर में सेंटर चल रहे हैं 18+ का। अभी तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, स्लॉट नहीं मिल रहा लोगों को, लेकिन थोड़े दिन में वो ठीक हो जाएगा। तो सर, जैसे कोविड वैक्सीन को लेकर जनता काफ़ी घबराई हुई है, तरह तरह की बातें बन रही है, तो इसमें आप अपनी जनता को किस प्रकार जागरूक कर रहे हैं। देखिए, हमारे BLO हमारे कार्यकर्ता घरों में जा रहे हैं, लेकिन सप्लाई देनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा दबाव बनाया सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर वैक्सीन देने के लिए, तो उम्मीद है कि इनको वैक्सीन देनी चाहिए और ये वैक्सीन देंगे। ठीक है। और सर, जैसा कि अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो आप हमारे दर्शक के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक और जनता को किस प्रकार आप सावधानी बरतेंगे। जो मंडे से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, दुकानें ओडी उनके हिसाब से खुल रही हैं, जिससे कि कोरोना दोबारा ना फैले, ना बढ़े। तो मैं आपके चैनल माध्यम से लोगों को अपील करूंगा, हाथ जोड़कर अपील करूंगा, कोरोना नियमों का पालन करें, डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं डॉक्टर जैसे कह रहे हैं, और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, और लोगों को बोलें कि सारे वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगाना ही ये कोरोना का इलाज है। सर, जैसा कि हमने पढ़ा आपके बारे में कि आप निजी पेशे से एडवोकेट भी हैं। मैं 75 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टैक्स की बच्चे मेरे सी एडवोकेट हैं, हम लोग प्रोफेशनल हैं। मैं 75 से राजनीति में आया, उस कांग्रेस में से पहले भगत जी के टाइम पे, आम आदमी पार्टी बहुत बाद में आई है। आम आदमी पार्टी ने जब देखा मेरे बारे में, सुना, यहाँ का सर्वे कराया, तो 2015 में टिकट दिया मेरे को कृष्णा नगर से। पहली बार मैं इलेक्शन लड़ा यहाँ से, मेरे सामने किरण बेदी थी जो CM की कैंडिडेट थी BJP से, वो यहाँ से हारी है। दूसरी बार 2020 में डॉक्टर ग्वालियर साहब जो स्वर्ग सुधार गए हैं और डॉक्टर नील गोयल दोनों हारे हैं। पर जनता ने इतना प्यार दिया है, जनता चाहती है कार्य, विधायक हमेशा अगर पब्लिक में रहेगा तो वो जीतेगा, कार्य करेगा तो जीतेगा। एसके बग्गा ने जनता को धन्यवाद भी कहा, क्योंकि जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया, उनके लिए कार्य करने का उन्हें मौका दिया, तो वो जनता के बीच रहकर अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं और जनता के अच्छे स्वास्थ्य की भी उन्होंने कामना की।